Assalamualaikum, uh, kaise hain aap Yeah, I'm coming live after many weeks, probably after months. Aur uh, uski ek I was trying to be uh, disconnected from social media. And uh, more importantly, uh, I have to disclose this today. that I was not well and uh, I've been suffering from Corona. यस, आई वाज कोरोना पॉजिटिव तो ये चीज़ एक ऐसी थी जिसकी वजह से मैं हिल गया और मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मुझे कभी कोरोना होगा ना एम नेगेटिव अलहमदिल्लास बिन फोर वीक्स नाओ दैट आई एव बिन टेस्टड नेगेटिव लेकिन uh, जी हाँ ये सच है कि मुझे कोरोना हो गया था और uh, इस दौरान आई हेव बिन थ्रू अलाट लाइक ऑफकोर्स द पेन एंड ऑल दोज सिम्टम्स जिसके साइंस होते हैं uh, सब थे मुझे आई हैड प्रॉब्लम ब्रीदिंग मुझे बुखार था सर में दर्द था एंड uh, uh, टेस्ट नहीं था मुंह में बॉडी एक हैड एक इतना ज़्यादा कि इट वाज अनकंट्रोलेबल अनबेरेबल और सांस लेने में प्रॉब्लम थी uh, वो तो मैं पहले ही बता दी uh, कुछ टेस्ट नहीं था फेयर uh, मुंह के अंदर uh, एक अजीब सी बस कुछ भी मैं खा सकता था मैंने करेले भी खा लिए मिर्चें भी खा ली चबा जा रहा था मुझे कुछ फ़र्क नहीं पता चल पता चल रहा था स्मेल बिल्कुल भी नहीं थी वैक्स या कोई भी इन्हेलर इवन जो था मैं इन्हील करता था तो मुझे पता ही नहीं चलता था कि क्या है परफ्यूम सी खुशबू नहीं आ रही थी कुछ भी तो बहुत तकलीफ से गुजरा और मैं जो कि समझता था कि शायद मुझे कभी नहीं हो सकता और मैं इतना ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहता था और इतना ज़्यादा अपने आप को सेफ रखता था बाहर नहीं निकलता था मास्क ऑल द टाइम ग्लव्स डिसइंफेक्ट जो भी सैनिटाइजर होते हैं घर डिसइंफेक्टेड रखता था लेकिन uh, एक मोमेंट था जिसमें मुझे लगता है कि शायद जब मैंने कैच किया और वो ये था कि uh, मेरी एक मीटिंग थी और मैं किसी ऑफिस में गया और उस मोमेंट uh, पे मुझे नहीं पता था कि उस ऑफिस में पहले किसी को करोना है कि नहीं है uh, मैंने मास्क वगैरह सब कुछ लगाया हुआ था <coughs> uh, uh, वहाँ सारे लोग अचानक जमा हो गए उन्होंने कहा कि सेल्फी सेल्फ़ी सेल्फ़ी और मैंने कहा कि नहीं भाई अभी मैं कोई सेल्फ़ी नहीं दे सकता तो अच्छा ये भी होता है कि हम लोग अगर जरा लोगों को मना करते हैं तो वो बहुत रिएक्टिव हो जाते हैं वो समझते हैं कि यार आ, हम बदतमीज़ी कर रहे हैं या हम रूड हो गए तो अभी देख देखें मेरी आँखें सूची हुई हैं यह तो खैर मुझे नज़ला आ रहा है दोबारा बट अगैन तो एकदम सारे लोग जमा हो गए और एकदम मेरे ऊपर चढ़ गए कि जी बस सेल्फ़ी खींचनी है अब मैं उनको कोशिश कर रहा था कि दूर करूँ मेरे साथ मेरा गार्ड था वो भी उनको दूर कर रहा लेकिन आ, आ, वो नहीं हुए और आ, अच्छा मैंने कहा चलें यार आप ले लें लेकिन इतने इतने फासले से इतने फासले से करके मुझे नहीं पता उन्होंने कहा जी मास्क उता रहे हैं उतारें मा, हमें क्या पता कि आप तस्वीर लेंगे तो मैंने कहा अच्छा, मैं दो मिनट के लिए मास्क उतार देता हूँ और आप लेकिन थोड़े से डिस्टेंस से आई डोंट नो प्रॉब्ली मैंने किसी चीज़ को वहाँ टच किया है किसी दरवाजे को या किसी टेबल को या किसी कुर्सी को जब मैं बैठा था और मेरा हाथ मेरे अपने ही मुंह पे लग गया और शायद वहाँ से और मैं सबसे ज़्यादा केयरफुल इस मामले में इसलिए था कि मेरी वालदा मेरे घर साथ होती हैं तो वो सीनियर सिटीज़न है तो मैंने कहा यार उनको किसी तरह ना इफ़ेक्ट करूँ और मुझे नहीं अंदाजा था कि तीन चार दिन बाद uh, मुझे वो सिम्टम्स आने शुरू हो गए एंड आई मस्ट से थैंक्स टू माई वेरी डियर सिस्टर लाइक एक मेरी दोस्त हैं मेरी रिश्तेदार हैं फैमिली फ्रेंड्स हैं अहमद ताहा गनी जो एक एक्टर एक हैं जिन्होंने जो तू चाय में मेरे साथ एक रोल किया था आ, उसकी जो वालदा हैं मेरी चंदा भाभी उनको चंदा भाभी बोलता हूँ उन्होंने आ, बहुत ज़्यादा मुझे इंसिस्ट किया कि टेस्ट कराओ और मैंने कहा नहीं भाभी कुछ नहीं होता बस रहने दें उन्होंने कहा नहीं, नहीं नहीं टेस्ट कराओ टेस्ट कराओ और उनके कहने पर अनशीलो टेक

कानाडोल और डिस्प्रिन भी बहुत कम लेता हूँ मुझे लगता है कि हर चीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं तो आई यूजली ट्राई टू यूज़ आयुर्वेदिक या हर्बल मेडिसिन या होम्योपैथी तो एक डॉक्टर हैं जो इस्लामबाद में होते हैं जो पहले कतर में या यामान में होते थे और उन्होंने uh, मेरे मेरे लिए जो कुछ किया है आई सीरियसली कै नाट एक्सप्रेस माई क्रैटिट्यूड इन वर्ड्स डॉक्टर तकी Uh, मैं ऑफिशियली उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ यहाँ कि जिन्होंने uh, मेरी वालदा के केस में इतनी हेल्प की uh, उनकी अपनी होम्योपैथिक मेडिसन्स के हवाले से uh, मुझे इतना ज़्यादा हेल्प किया uh, कि आज मैं अगर आपके सामने नज़र आ रहा हूँ सही तो मुझे डॉक्टर तकी को मैं इसका नाइन्टी नाइन परसेंट क्रेडिट देता हूँ क्योंकि होम्योपैथी एक ऐसी चीज़ है जो गली मोहल्लों में हर जगह हमें आपको होम्योपैथी के डॉक्टर्स होम्योपैथ्स मिल जाएंगे लेकिन सही डॉक्टर मिलना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है uh, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप किससे इलाज करा रहे हैं एंड आई थिंक ही इज़ द बेस्ट डॉक्टर हैव एवर कम अक्रॉस और उन्होंने मैं उनका नंबर भी आपके यहाँ शेयर कर दूँगा Uh, ताकि अगर आपको कभी उनसे राबता करना हो एंड सीरियसली ये जो मैं आपको वीडियो चैट कर रहा हूँ ये कोई मेरी पेड uh, या स्पॉन्सर्ड वीडियो चैट नहीं है ये मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा अगर फ़ायदा हुआ है किसी से तो मैं चाहूँगा कि और लोगों का भी फाय, को भी फ़ायदा हो और uh, डॉक्टर तखी का मैं नंबर आपको ज़रूर शेयर करूँगा बल्कि वो आप लिख भी लीजिए अगर आपके पास पेन एंड पेपर है दिस इज़ ज़ीरो थ्री वन फोर फ़ाइव सेवन नाइन थ्री ज़ीरो फ़ोर ज़ीरो आई रिपीट ज़ीरो थ्री वन फोर फ़ाइव सेवन नाइन थ्री ज़ीरो फ़ोर ज़ीरो तो इस नंबर पे अगर आप रबा उनसे करना चाहें तो आप कर सकते हैं मैं यहाँ नीचे अपनी चार्ट में भी उनका नंबर मेंशन कर दूंगा इसी कैप्शन में भी तो बहरहाल होता यह है भाई और बहनों और मेरे दोस्तों और मेरे फैंस और मेरे फ्रेंड्स हम ये समझते हैं कि शायद ये हम अभी तक जब तक मुझे भी हुआ नहीं हुआ था तो मैं समझता था कि यार मुझे नहीं होगा ये बस शायद ज़्यादा एक एक होक्स है या एक बहुत ज़्यादा एक चीज़ क्रिएट की गई है इतना ज़्यादा सीरियस है नहीं लेकिन ट्रस्ट मी ये कोई मजाक नहीं है ये बिल्कुल सीर, ये सीरियस ये जनवन इशू है ये होता है और बहुत ख़तरनाक है मैंने लोगों को आ, मेरे बहुत करीबी एक दो दोस्त हैं एक दोस्त ही थे मेरे उनकी डेथ हुई है मैंने अपने अजीज़ों को आ, इस दुनिया से जाते देखा है इसलिए कोरोना से तो ये सीरियस है दिस इज़ फॉर रियल एंड दिस इज़ वेरी वेरी डेंजरस इट्स फेटल सो प्लीज़ टेक इट सीरियस आ, ये सारी बातें जो उनका ध्यान हमें रखना है अब ज़्यादा ये फैल गया है क्योंकि लॉकडाउन खुला है तो उसके बाद चीज़ें और ज़्यादा ख़तरनाक हो गई हैं इसलिए कि अब करीब आ रहे हैं मुहर्रम के दिन हैं इससे पहले ईद गुजरी है प्रोसेशंस होंगे आ, 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 ऐसी जगह जहाँ आप आ, मिल के है, बैठते हैं इज्तम होते हैं इनसे आप जितना अवॉइड कर सकते हैं और अगर आपने जाना ही है तो प्लीज़ अपने आप को ग्लव्स और मास्क से प्रोटेक्टेड रखें ये बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है हम तो किसी तरह से ही लेते हैं लेकिन हमारे साथ हमारे पेरेंट्स होते हैं बच्चे होते हैं घर में उन सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट सो दिस वॉज़ माई रीज़न टू नॉट टू कम ऑनलाइन फॉर मैनी वीक्स और मैनी मंथ्स प्रॉब्ली बट येस दिस वॉज द रीज़न एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू फॉर बींग फॉर बींग कनेक्टेड और आप लोगों के मुसलसल मुझे मैसेज मिलते रहे हैं uh, आप लोगों की दुआएँ मुझे मिलती रही हैं और uh, आप लोगों ने मुझे uh, मुसलसल फॉलो करते रहे एंड यू मिस मी थैंक यू सो मच यू कीप एडिंग द नंबर ऑफ माई इंस्टाग्राम फॉलोअर्स दिस इज दाइट नो इंस्टाग्राम फॉलोर्स So uh is about to touch four million now. So I'm very, very thankful to all of you for being so kind, so generous, so close to my heart. And keeping me close to your heart as well. Let's see who's online after so many days. I'm seriously I've switched my device. Um Android's iPhone but I want to a problem or iPhone, uh operate problem. But uh, let me just uh, uh, see who is online um, okay let's do one thing may I say disconnect right and I'll come back again